नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई पोस्टल नेटवर्क पर, डाक विभाग का सबसे विश्वसनीय चैनल और डाक विभाग का सबसे भरोसेमंद कोचिंग इंस्टीट्यूट। आपको बता दें, आज हम सैलरी स्लिप आपको दिखाने जा रहे हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी डिपार्टमेंट में जो पोस्टल एमटीएस काम करते हैं, उनका हम सैलरी स्लिप अक्टूबर महीने का यानी लेटेस्ट आपको अभी दिखाएंगे। कितनी सैलरी है नए डीए आने के बाद, और ये सभी जो सैलरी स्लिप के भी वीडियो हम डालेंगे, ये उन जीडीएस के लिए है जिनको मोटिवेशन की ज़रूरत है, जो इस साल एग्ज़ाम देना चाहते हैं और एग्ज़ाम देंगे। अच्छे से पढ़ाई करके दीजिएगा इस साल का एग्ज़ाम, ये एक आपको मौका मिलता है एक परमानेंट पोस्ट में आ जाने का। परमानेंट पोस्ट से मतलब ये है कि पूरी तरह से डिपार्टमेंटल पोस्ट। आप अभी एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल पोस्ट में है, इसलिए आपकी जो सैलरी है वो भी कम है और सुविधाएं भी कम है। अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी सुविधाएं और सैलरी चाहिए तो इस एग्ज़ाम को आपको क्रैक करना होगा। ये जितने भी अभी सैलरी स्लिप आपको दिखाएंगे, ये सब हमारे इंस्टीट्यूट में जुड़ के, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए वो जीडीएस है जो अभी पास कर चुके हैं और अपना सैलरी स्लिप हमारे साथ खुशी से शेयर करते हैं। तो हम ये उम्मीद करेंगे अगले साल तक आप हमें सैलरी स्लिप शेयर करेंगे और आप हमें बताएंगे कि आपका सिलेक्शन हो गया है 2022 में, जब इसका रिजल्ट आएगा। एग्जाम है 26 दिसंबर को आप बैठेंगे और बहुत अच्छे से तैयारी शुरू कीजिएगा। कल से हमारा नया बैच शुरू होने वाला है, यानी 1 दिसंबर से 25 दिसंबर तक आपकी पढ़ाई करवाई जाएगी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो नीचे हमने व्हाट्सएप नंबर दिया है अपना 8638587698, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करेंगे, हम आपको डिटेल्स और डेमो भेज देंगे और आप हमारे साथ कल से पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए आपको सैलरी स्लिप आप दिखाते हैं, अक्टूबर 2021 का है, ये आप देख सकते हैं। आकाश जी जो इस बार हमारे एग्ज़ाम में पास किए हैं उनका है, ये एमटीएस है हमारे साथ, और यहाँ पे आप उनकी सैलरी स्लिप देख सकते हैं। सबसे पहले सैलरी स्लिप में हम देखेंगे मल्टीटास्किंग स्टाफ के, सबसे पहले आता है बेसिक पे जो कि है 18,000। आप सभी को पता होगा मल्टीटास्किंग स्टाफ एक ग्रुप सी पोस्ट है और इसका जो अभी बेसिक पे चल रहा है वो 18,000 है। हाउस रेंट अलाउंस की यानी एचआरए की बात करें तो 3,600 रुपये है, और डीएनएस अलाउंस आप सभी को पता है 31% होने के बाद अभी 5,518 का डीए बन रहा है। डीए ऑन टीपी यानी जो डीएनएस अलाउंस ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे बन रहा है वो 279, साथ में जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है 900 रुपये बन रहा है, और उनके कुछ एरियर है जो उनको नहीं मिले होंगे पिछले महीने, तो इस बार इनको 529 रुपीज़ मिले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी सैलरी 28,888 बन रही है टोटल। अब कुछ डिडक्शन होगा, डिडक्शन में इनका आप देख सकते हैं नेशनल पेंशन स्कीम जो कंपलसरी कर दिया गया है, नेशनल एनपीएस का 2,300 के करीब कट रहा है, कुछ एरियर भी इनके कटे हैं, पीएलआई का प्रीमियम इनका कट रहा है 2,300, ये तो अप डाउन करता रहता है सभी में। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इंश्योरेंस जो होता है, ग्रुप इंश्योरेंस जो होता है उसका 10 रुपये कट रहा है, और जो हेल्थ स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट का उसका 250 रुपये, यानी करीब 5,000 के यहाँ पर कट रहे हैं इनके। तो अब और कुछ यहाँ पे कट रहा है, इन्होंने आप यहाँ पे देख सकते हैं यूनियन का कुछ रुपए कटता है, वेलफेयर फंड का कुछ रुपए कट रहा है। तो इस अकॉर्डिंग अगर हम देखें टोटल इनके हाथ में आ रहा है 23,700 रुपये, यानी 24,000 के करीब इनके हाथ में इन हैंड पेमेंट मिल रहा है। तो ये एक आपको सैलरी स्लिप्स दिखाई हमने, एक और का दिखा देते हैं, इन्होंने भी पास किया था, राहुल जी का दिखाते हैं। इनका बेसिक पे आप देख सकते हैं 18,500 है, जो कि सिंपल सी बात है यहाँ पे उनको इंक्रीमेंट मिला होगा, और डीएनएस अलाउंस की बात करें तो डीएनएस 5,735 है, डीए ऑन टीपीए हो रहा है 279 रुपीज़, हाउस रेंट अलाउंस 1,800 रुपये, क्योंकि आप सभी को पता है शहर के अकॉर्डिंग आप लोग को एचआरए मिलता है, छोटा शहर तो अगर छोटा शहर होगा तो कम मिलेगा, बड़ा शहर होगा तो एक्स वाई जेड के हिसाब से मिलता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात करें 900 रुपये मिल रहा है, और एरियर पिछले महीने का इनको 1,746 रुपीज़ मिला है, तो इनका भी 28,000, यानी आप समझ लीजिए 28,000 से 29,000 के बीच में से आपका पूरा टोटल अर्निंग मिलता है। फिर डिडक्शन भी हो जाता है, जैसे इनका भी एनपीएस का कटा है 2,424 कटा है, पीएलआई का भी इनको करीब 1,000 के करीब कटा है, 3,500 कटा है, साथ में इन्होंने कुछ लोन ले रखा था जिसका इनका 3,600 काटा है, तो इनका जो डिडक्शन के बाद पेमेंट आ रहा है 21,000 आ रहा है। तो ये आपके ऊपर होगा कि आपने कौन कौन सी चीज़ें, आपने लोन ले रखा है कि नहीं, पीएलआई का प्रीमियम कट रहा है कि नहीं, उस हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ेगी कमेगी। लेकिन आपका जो सैलरी अभी बन रहा है 28,000 से 29,000 एक
MTS का बन रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है ये सैलरी स्लिप देख के जितने भी GDS है वो भी चाहते होंगे इनका सैलरी यही मिले और मोटिवेशन आपको मिला होगा। और ये आप याद रखें, आपको अगर आपको ये सैलरी स्लिप चाहिए तो आपको अच्छे से एग्ज़ाम देना होगा। हमसे जुड़िए, पढ़ाई कीजिए और पढ़ाई करके अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और आप लोग भी ये एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक कर पाएंगे। धन्यवाद।